नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर से सब्सक्राइबर से दुनिया में जहाँ भी हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, अभी ये नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में ये वाला मंत्र जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस मंत्र को यदि आप सोते समय ज्यादा नहीं तो सिर्फ 5 मिनट भी बोलते हैं तो आपके घर में धन और धर्म दोनों बढ़ने लग जाता है। धन की भी वृद्धि होती है, धर्म की भी वृद्धि होती है। बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, घर के अंदर शिष्टाचार आने लग जाता है और पैसों की कहीं कमी नहीं रह जाएगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। दोस्तों, ये जो मंत्र है, इस मंत्र में दो है बीज मंत्र, ओम एम। ये जो मंत्र है ये आपके तमाम सोई हुई शक्तियों को जागृत करते हैं। और इस मंत्र को वैसे तो आप दिन में भी बोल सकते हैं, जितना भी ज्यादा आपको बोलना है, लेकिन सोते समय, क्योंकि सोते समय आप बिल्कुल फ्री हो चुके होते हैं, तो उस समय आप बेड पर बैठे या कुछ ऐसे स्थान में बैठ सकते हैं, एकाग्र चित्त होकर के बैठे, कुछ देर ओम 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 इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट आपको बोलना है ओम एम शक्ते नमः। बस छोटा सा है, अमुक मंत्रों का ये छोटा सा टुकड़ा है, हिस्सा है, ओम एम शक्ते नमः। ये मंत्र सोते समय आप बोलना शुरू करें और आपको यही इमेजिन करना है कि कोई काली चीज आपके शरीर से निकल निकल करके जा रही है, मतलब तमाम प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाएं आपकी बॉडी को छोड़ करके अब जा रही है। और कोई रोशनी आपके सिर के इस हिस्से से जो ये ब्रह्म रत्न है, यहां से अंदर एंटर हो रही है, जो महाशक्ति है जिसने इस सृष्टि का क्रिएशन किया हुआ है, जिसने आपकी बॉडी को बनाया है। आपकी बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है जो इस सृष्टि के सर्जन करता है। माँ शक्ति, माँ भवानी, जिसने इस शरीर को बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया, दृढ़ विश्वास रखो उन पर और अपने शरीर को उन्हें समर्पित करो। इस मंत्र को बोलते हुए आपके शरीर पर, आपके घर में कोई भी तंत्र मंत्र किया गया है, आपके ऊपर कोई भी बुरी शक्ति छोड़ी गई है, उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। एक चीज तो आप भी मानते हैं दोस्तों, दुनिया में भूत या तो भूत का राज है या भगवान का राज चल रहा है। अगर आप भूत प्रेतों को बहुत ज्यादा महत्व देने लग गए, इनसे डर गए, तो ये आप पर राज करने लग जाएंगे। यदि आपने खुद को हमेशा भगवान को समर्पित करके रखा तो इन चीजों की शक्ति अपने आप नहिवत हो जाती है। तो इस मंत्र को जाप करते हुए अपने आप को आदि शक्ति माँ जगदम्बा के, जगदम्बा को समर्पित करें। खुद इमेजिन करें कि आप अपने पूरे शरीर को माँ जगदम्बा को समर्पित कर रहे हैं तमाम कंडीशनों के साथ, तमाम बुरी चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी और माता की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। ये उपाय वैसे तो रोज करना चाहिए, लेकिन अभी नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि में आप रात को इस उपाय को जाप करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। करके देखिए, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।